आज रविवार को भी बीते शाम शनिवार की तरह ही बिहार के मध्य पूर्वी तथा उत्तर के ज्यादातर जिलों में आंधी के साथ पानी पड़ने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने कर रखी है। विदित हो कि बीते शनिवार को भी देर रात तक तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसे लोग प्री मानसून की वर्षा मान रहे हैं। बीते शनिवार की रात को प्री मानसून के जिया आंधी और बारिश आई थी। इसमें बिहार सरकार की सारी तैयारी की पोल खुल गई, 3 घंटे बिजली गायब रही। वो तो अच्छी बात है कि अभी लॉकडाउन है और रोड पर चहल पहल काफ़ी कम है, नहीं तो कितना नुकसान होता इसका जायजा लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। और बिहार सरकार को इस पर जो तैयारी करनी थी, पिछले साल बारिश होने के कारण नाले के जमाव के कारण जो बाढ़ आई थी, उसकी तैयारी भी कहीं नहीं दिख रही है। इस लॉकडाउन का फायदा तो उन्हें उठा लेना चाहिए था। आंधी के चलते बेली रोड पर एक पेड़ धराशायी हो गया, जिसके कारण आवाजाही पर असर पड़ा। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर सड़क पर गिरे मलबे को जेसीबी मशीन की सहायता से हटा दिया। इन दिनों कथित लॉकडाउन के चलते सड़कों पर वाहन और लोगों की चहलकदमी कम होने के कारण राजधानी पटना में कोई खास नुकसान नहीं हो सका। हाँ, आंधी के चलते बिजली आपूर्ति में बाधा आई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। बहरहाल आज रविवार के लिए भी सामान्य से तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।